आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी की चुनाव यात्रा के इस खास कार्यक्रम प्राइम पब्लिक और सरकार में। आज हम निकले हैं चरखारी विधानसभा में और लोगों के बीच जा जाकर लोगों से बात करके आखिरकार जानते हैं कि लोगों का क्या मूड है और लोग इस बार क्या चाहते हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और यूपी में चुनावों की तारीखें भी तय हो चुकी हैं। आगामी 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, जनता का क्या मूड है, ये हम लोगों से ही जानते हैं। हम चरखारी विधानसभा के अजनर में खड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्राउंड जीरो से लगातार लोगों से बात करके आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है लोगों का मूड और कौन इस बार यूपी की सत्ता पर काबिज होगा। हमारे साथ यहाँ कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, अशोक कुमार पाठक। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, कौन आएगा लखनऊ में? लखनऊ में आएगा योगी बाबा। आएगा? पक्का? पक्का आएगा। अगले ज्यादा कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, कैसे नहीं किया है, किया है काम? सबसे अच्छा काम किया है। प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं। अरे वो तो चली नहीं प्रियंका गांधी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सनातन के लिए डूब गई। सिर्फ बीजेपी, बीजेपी ही चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए आपके यहाँ के विधायक हैं, हाँ, उनके काम से आप लोग संतुष्ट हैं? काम से उनसे संतुष्ट नहीं है क्योंकि वो बाहरी है। अच्छा, हमको चाहिए लोकल का विधायक। अच्छा, हमारी चरखारी विधानसभा का निवासी होना चाहिए। आप ये बताइए काम किया है विधायक ने? कुछ काम नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है इस बार? इस बार लगता है कि हमारे लोकल का विधायक होना चाहिए। और योगी सरकार का जो ओवरऑल काम है, आप जब चुनाव में जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे आपके, विकास के होंगे, राष्ट्र विकास है ना, महिला सुरक्षा है, कोई जातवाद नहीं है ना कोई धर्मवाद है। अच्छा, सब समान है, सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, हाँ। तो विकास योगी जी ने काम हाँ, किया है? बिल्कुल किया है। हर जगह देखिए, पूरी उत्तर प्रदेश में मायावती नहीं आई, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था रही, कह रही थी हमारे टाइम पे बहुत अच्छी कानून। अरे उनके टाइम पे तो और अच्छी व्यवस्था रही है। अच्छा, उसमें सिर्फ जातवाद रहा है हर में। अच्छा, हाँ, इसमें कोई जातवाद नहीं है, जातवाद नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, विकास किया, किस विकास किया है। आएंगे बाबा जी? बाबा जी निश्चित आएंगे, 100% आएंगे, 101% आएंगे। अच्छा, अच्छा आप बता दीजिए भैया क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार मोदी ही आएंगे पक्का, योगी यूपी में आएंगे। विपक्ष वाले कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, भाजपा वाले बात कैसे नहीं हैं? किया कैसे काम नहीं किया बताओ, कौन सा काम नहीं किया? कह रहे हैं कोई काम नहीं किया, किया है सर, बात किया है, काम किया, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, तो सुरक्षा भी तो दी। अच्छा, सुरक्षा नहीं दी? सुरक्षा दी है। हाँ तो फिर आएंगे बाबा। बहने बेटियां जो ये रात में शाम को नहीं निकल पाती थी, आज देखो खुली आम निकल रही है। अच्छा, कैसे नहीं सुरक्षा दी उनने? सुरक्षा दी है। और अच्छा ये बताइए, हाँ, आपके जो क्षेत्र के विधायक हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए विधायक जी जो हैं वो हैं बाहर के, और इस बार हमारा जो चरखाई विधानसभा के लोग बाग है वो चाहते हैं कि हमारा क्षेत्रीय विधायक बने। अच्छा, पानी की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। अच्छा, केवल शिलान्यास तो हो गया, पत्थर उनके नाम का लग गया, लेकिन कोई पानी आने की कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर क्यों बीजेपी कह रहे हैं आप, जब विधायक ने कोई काम नहीं किया? विधायक ने नहीं किया लेकिन ऊपर वावा तो कर रहा है। अच्छा, ये बीच के बिचौलिया जो है ये सब गड़बड़ कर देते। अच्छा, और वावा तो सही है। हाँ। अच्छा आप बताओ भैया क्या नाम है आप? अच्छा, कहाँ से आए हैं? ये बताइए इस बार यूपी में कौन आएगा? योगी बाबा। योगी बाबा पक्का आएंगे? अरे यार योगी जी ने कोई काम ही नहीं किया। अच्छा ये बताइए आप विधायक ने कुछ किया नहीं है बीजेपी को, आना चाहिए बाबा, सही काम कर रहे हैं फिर बाबा।
पक्का पक्का। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको इस बार? योगी जी? अरे नहीं योगी जी नहीं, प्रियंका गांधी कह रही थी हम लड़कियों को स्कूटी देंगे, टैबलेट देंगे, बिजली का बिल मुफ्त आधा करेंगे, पुराना माफ कर देंगे। अच्छा अरे यार ऐसा नहीं, अखिलेश यादव कह रहे थे हम भी पेंशन देंगे महिलाओं को, समाजवादी पेंशन देंगे और लाइट के बिल आधे करेंगे। अरे कोई नहीं करता है, डबल करेंगे डबल। अच्छा कोई नहीं करता बाबा जी? बाबा जी कह रहे। अच्छा विधायक ठीक है आपके? विधायक कहाँ ठीक है। अच्छा विधायक ठीक नहीं है बाबा जी? जब यहाँ के हो अपने छत के हो कोई विधायक के काम बनता है। अच्छा अब आया कम से क्या काम बनेगा? अच्छा पक्का? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी कई सारे लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम बढ़िया। अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार? योगी जी? अरे भगवत तौलिए डाले इसलिए कह रहे हैं इस बार की सरकार। काम किया है योगी जी? काम बराबर हो रहा है। विधायक ने काम किया है? जनसंपर्क किया है। अच्छा याद बात पे चले गए। अच्छा चले गए योगी जी आएंगे? योगी जी। अच्छा आप बता दीजिए। योगी जी पक्का है? हाँ। अरे यार कोई काम नहीं है योगी जी, आप जबरदस्ती क्या काम किए हैं? चारों तरफ रोड डल रहे हैं, योगी और मोदी जी दोनों तो काम ही कर ही रहे, और किसने काम किया है? विधायक जी, विधायक जी ने 1,000 रुपए पूरा बैंक। विधायक जी मिलते हैं कभी आपसे जीतने के बाद? बस ये है कि थोड़ा बिजी रहते हैं, वो आने जाने में थोड़ा जनसंपर्क नहीं बना पा रहे। थोड़ा हमको यहाँ पास का विधायक चाहिए जो सब लोगों से मिले, हर हफ्ता 2-3 हफ्ते में आ जाए तो सबकी शिकायत सुने, पानी का निदान सुने, बिजली बिल भी अभी आधा हो रहा है बीजेपी सरकार में। पास का विधायक चाहिए? पास का विधायक चाहिए लेकिन बीजेपी सरकार चाहिए। सरकार बीजेपी चाहिए, चाहिए। विधायक पास को चाहिए। हाँ। अच्छा और भी यहाँ पे कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए क्या लगता है इस बार? इस बार कहाँ बीजेपी है? अच्छा अरे कहाँ बीजेपी आ रही? नहीं आ रही बीजेपी, आप जाने कैसी बात कर रहे बीजेपी आ रही? इतने महंगे सिलेंडर कर दिए, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया। अच्छा आएगी बीजेपी? बीजेपी 101% काम किया है बाबा जी? विधायक ने काम किया है आपके? विधायक ने नहीं करो आज तो हम। अच्छा आपने विधायक को देखा नहीं है, बाबा जी को फिर ला रहे हैं। अच्छा विधायक ने काम किया है यहाँ पर? अच्छा आपने देखा नहीं आज? हाँ अरे लेकिन बाबा जी सही है, अखिलेश यादव भी तो है। नहीं अखिलेश यादव तो ये तो सही है। अच्छा वो अपनी जगह पे बढ़िया है। प्रियंका गांधी है, मायावती? अरे वो ये ना हम आज लोग तीनों ने। अच्छा जिनने काम करवाओ उन्हें तीनों आपके क्षेत्र में काम हुआ है बीजेपी सरकार ने कराया है? अच्छा विधायक जी से लेकिन आप संतुष्ट नहीं है? अच्छा मिले ही नहीं आपका? हम तीन से ही नहीं है। अच्छा ये भी है, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको? योगी सर का? योगी? अरे नहीं योगी कहाँ है, योगी सब कुछ अगले से ज्यादा कह रहे हम 400 सीटें लेके आएंगे, कह रहे हम 400 लेके आएंगे, 3 छोड़ेंगे बीजेपी। पार्टी में मजबूत नहीं है तो तब अगले की सरकार बन रही थी, वो मायावती अपनी बन रही नहीं बन रही? विधायक ने काम? विधायक ने काम तो नहीं करो लेकिन पार्टी है देख के वोट दे वो आदमी। अच्छा पार्टी है देख के वोट? विधायक ने तो नहीं करो डट्ठू का? हाँ बिल्कुल नहीं सही बात है, वो ना होता है भी है। अच्छा लेकिन भाई पार्टी है चाहे जो को आ जाए पार्टी है देख के वोट देने आदमी। अच्छा मायावती कह रही हमने बहुत काम किया, रोजगार देंगे लोगों को, सब झूठे वादे यहाँ। अच्छा प्रियंका गांधी भी चुनाव जीतने से कान है नहीं, तो आज लोग प्रियंका गांधी ने क्या लगता है आपको ये बताइए? योगी सरकार मोदी प्रियंका गांधी का असर पड़ेगा या कुछ नहीं? महिलाओं की आवाज उठा रही है कुछ नहीं, झूठ है झूठ है। अच्छा मतलब योगी आएंगे बाबा जी? पक्का? काम किया? अच्छा ये क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार योगी। अच्छा ये बताइए क्या लगता है आपको कौन आना चाहिए? बीजेपी? बीजेपी कहाँ आ रही? 400 सीटें अखिलेश कह रहा है हमारी 400 आएंगी। 399 बीजेपी। अच्छा सही बताइए। अच्छा ये बताइए काम किया है यहाँ? विधायक चाहिए? अच्छा विधायक लोकल चाहिए लेकिन?
कहाँ से लाएंगे लोकल, जब बीजेपी वाले टिकट तो जिसको देंगे वही तो आएगा। अच्छा योगी जी ने काम किया है, विकास किया है, और पुरानी सरकार ने अखिलेश ने कह रहे हमने बहुत काम किया, इस बार भी करेंगे, कुछ नहीं होना है। हाँ कह रहे हम नौकरी देंगे युवाओं को, इन्होंने कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। अच्छा बेरोजगारी बढ़ाई तो मोदी जी और सबको किसान सम्मान निधि। अच्छा आप किसान हैं, आप किसान हैं, आप एक चीज बताइए किसानों का जो आंदोलन हुआ था कृषि कानून बिल को लेकर, उसका कितना फर्क है यहाँ पे, आपको लग रहा है फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा लेकिन समझ नहीं पा रहे किसान उसको। किसान नाराज है बीजेपी से या नहीं है चुनाव में, इसका कोई नहीं, सरकार से नाराज नहीं है, यहाँ पे किसान आंदोलन कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं हुआ, हुआ ही नहीं आंदोलन। अच्छा नहीं हुआ पंजाब, अरे पंजाब बाबा जी आएंगे फिर, आएंगे पक्का 100%। अच्छा आप बताइए, आप बता दीजिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी तो विकास किया, किसानों को भी दिया है सम्मान निधि, और उन्होंने किसानों के हित में भी किसान बीमा भी दिया है, दे रही भारतीय जनता पार्टी किसानों को अनाज खाद्यान्न भी दे रही है, महीने में दो दो बार निःशुल्क। अच्छा बीजेपी आएगी मतलब, तो बीजेपी आने आएगी और योगी जी बनेगी, योगी बनेंगे। विधायक ने आपके काम किया है? विधायक हाँ जो कहते हैं वो करवा देते हैं। अच्छा कौन से भी काम कई निपटा दिए उन्होंने। अच्छा निपटा दिए। अच्छा आप दादा बताएंगे, बताइए इस बार क्या लगना चाहिए आपको, बाबा जी हैं आप तो पुराने लोग हैं। जी हाँ जिसने रखा तो काम किए हैं, साथ साथ ही काम नहीं हो रहे थे तो सारे काम ने भाजपा किए हैं, भाजपा ने आएगी भाजपा रखा तो काम। अच्छा क्या देश बचाया है? हाँ देश बचाया। क्या 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 मुद्दा, क्या मुद्दे निर्माण जैसे कि किसानों से पड़ा था। अच्छा निर्माण का हो रहा है सब, विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई भी बहुत की है, महंगाई के लिए क्या चीज़ है, महंगाई आमदनी भी तो है। आमदनी है उससे। अच्छा केंद्र सरकार राज्य सरकार बराबर दे रही है। अच्छा आप ये बताइए आप भी किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों का जो आंदोलन हुआ था कृषि कानून जो आए थे आपको पता है आंदोलन हुआ था वापस लिए सरकार ने, उससे किसान नाराज है, यहाँ का असर पड़ेगा चुनाव पे कुछ? यहाँ पे तो किसान नाराज नहीं है, नहीं पड़ेगा फर्क उससे, कोई फर्क नहीं। आएंगे बाबा जी? जी और कोई नहीं आएगा, बाबा जी हैं तो बाबा जी को तो ही कहेंगे। अच्छा अच्छा आप बताओ ये युवा है, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताओ क्या लगता है इस बार यार, कोई युवाओं को काम नौकरी नहीं दी उन्होंने, अगले ज्यादा कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, मायावती कह रही हम लेंगे, सब कुछ किया है, ऐसा कुछ नहीं है, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये भी पब्लिक ऐप पे आएगा कि नहीं आएगा? आपके आपके जो विधायक हैं उनसे आप कितने संतुष्ट? बिल्कुल भी संतोष नहीं, हमको अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए। अच्छा काम किया उन्होंने कि नहीं किया? आते हैं आप कभी मिले? हम तो पहचानते ही नहीं है विधायक है कौन। अच्छा हमको तो यही मालूम नहीं है कि विधायक है कौन अभी तक। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, विधायक को जानते नहीं, मालूम नहीं है, वो आया ही नहीं हमारे क्षेत्र में, चाहिए क्षेत्र में आया ही नहीं, तो हमको बाबा जी चाहिए तो विधायक तो बनाएंगे ना, अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए। अच्छा अरे आपके क्षेत्र से कोई होता तो क्यों बाहर ही आते ना, हमारे क्षेत्र में सुभाष दीक्षित जी है ना। अच्छा पक्का है? तो आपके स्थानीय जो नेता है आपको लगता है कि इनको मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को? हाँ मिलना चाहिए, इनको आना चाहिए, आना चाहिए। इतने दिन से बाहर ही आ रहे, क्यों वोट दे रहे बाहर लोग? हमने तो नहीं दिया, हम तो अभी वोटर हुए हैं दो चार साल के, हमने तो वोट ही नहीं दिया। अच्छा चलिए तो ये यहाँ हम खड़े थे और लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है बीजेपी आएगी, कुछ लोग अपने जो स्थानीय विधायक हैं उनसे असंतुष्ट नजर आए, तो कुछ की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली, और इसी तरह हम आपको दिखाते रहें ग्राउंड जीरो से दिखाते रहेंगे कि आखिरकार क्या है बुंदेलखंड की जनता का मूड और क्या है महोबा जिले की जनता का मूड। हम चरखारी विधानसभा में इस चुनाव यात्रा के दौरान दिखाएंगे आपको लोगों का क्या मूड है और लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले चुनावों में 10 मार्च को यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। कैमरामैन रमेश कुमार के साथ दीपक वाजपेयी, प्राइम टीवी न्यूज महोबा। आज हम जनता के बीच में हैं, जनता से पूछते हैं कि 2022 में किस मुद्दों को लेकर के किस पार्टी को जिताना चाहती है। भाई साहब आपका नाम क्या है? हेमंत। हेमंत जी आप बताएं कि 2022 का चुनाव है और चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जिताए, आप किन मुद्दों पर उनको वोट देना चाहेंगे, किस सरकार को लाना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। जो
हाँ बीजेपी को, बीजेपी को किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे? विकास की वजह से और थोड़ा सा जो अपराध है उन पर थोड़ा सा कमी है तो उस वजह से। तो आप बताएं आप किन मुद्दों पर, किस राजनीतिक पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, उनको ही वोट दूंगा। निष्कर्ष है बीजेपी, बेशक महंगाई है लेकिन बीजेपी को देंगे। विकास किया है, वो काम किया है जो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ। और इसके अलावा आप बताएं भाई साहब आपका नाम क्या? मैं शुरू से मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैं शुरू से बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, कैंडिडेट हूँ। और जो भी आज का वो हुआ है यूपी के अंदर, जैसे जब से बीजेपी आई है तब से हर शहर का नक्शा बदल चुका है, लाइट सुविधा हर चीज़ें टाइम पे अवेलेबल है। नहीं, मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर आप चाहते हैं कि कौन सी राजनीति? नहीं, विकास अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बीजेपी से बीजेपी को वोट देंगे हम। अभी तक बिल्कुल संतुष्ट है, ऐसा काम किसी ने अब तक सरकार ने किया ही नहीं जो बीजेपी ने किया है। जो कार्य किए हैं वो अभी तक पिछली सरकारों ने के कार्यकाल में नहीं हुआ, तो इसी क्रम में जानते हैं। आप बताएं भाई साहब आप किन मुद्दों को लेकर के मथुरा में जो चुनाव होने जा रहा है, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के, किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को आप जिताना चाहते हैं? सर ये भाजपा जैसे काम तो किसी सरकार ने आज तक किए नहीं। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक? अच्छा, तो आपके हिसाब से जो वोट जाएगा आपको भाजपा बीजेपी के लिए जाएगा? यस। निम्न परिवार के लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमा करके अपना रोज गुजारा करते हैं, लेकिन आइए इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों पर ये किस राजनीतिक पार्टी को वोट करेंगे। मतलब बताएं आपका नाम क्या है? नेत्रपाल है साहब हमारा। नेत्रपाल जी, आप 2022 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, आप किस पार्टी को किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? आप बताओ। हम तो बीजेपी के आदमी के साथ में होता हूँ। बीजेपी के आदमी किस मुद्दों पर आप जिताना चाहोगे? बीजेपी जीतेगी। किस मुद्दों पर जीतेगी? अब इतने तो हम जानते ना, तुम्हें बताओ। अब महंगाई तो काम ना करेंगे तो कछु ना है, तुम बताओ। हाँ, हम तो इससे मुद्दे पर जिताना चाहते हैं कि हमारे देश के लिए काम करेंगे ये लोग, और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, माता का मातरम है, माता का मातरम है ये हिंदुस्तान, किसको कहते हैं आप? इसी को कहते हैं माँ को, भारत माता। तो इसको आप आगे बढ़ाएं और आप सब मिलकर भाई बन दो। विकास मुद्दा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, विकास हो या ना हो, ना केवल आप नहीं, प्रकार की हो उसमें भी क्या बात है, वो भी हो और सभी काम हो उसमें, और बढ़िया तरीका से आप लोग काम करें। पार्टी कोई भी आवे, महंगाई पे जो है कि महंगाई बढ़ रहा है, इसका थोड़ा सा गरीब लोगों को सहायता मिले। इसी बीच हम खड़े हुए कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इनसे जानते हैं किन मुद्दों पर किस राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को ये जिताना पसंद करेंगे। तो आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरिशंकर। तो हरिशंकर जी, आप बताएं किस मुद्दों पर आप किस पार्टी को जिताना पसंद करेंगे? हम तो देखिए शुरू से बीजेपी के पक्षधर हैं, शुरू से बीजेपी को ही पक्ष वोट करते हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा, विकास या महंगाई? देखिए विकास और राष्ट्रवाद, महंगाई इशू नहीं है, महंगाई तो बढ़ेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। आप बताएं आप क्या मानते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर पे विकास आता है, उसके साथ में विकास किसी भी चीज़ में कभी भी कोई चीज़ को सुधारा जाएगा उसमें महंगाई तो बनेगी सर। ये कुछ समय के लिए महंगाई है, उसके बाद में फिर अपने आप रूटीन पे आ जाता है। महंगाई कम नहीं रही थी, हर आदमी को समय के अनुसार महंगाई नज़र आती है, किसी भी मुद्दे को कोई भी उठाना हो तो सबसे पहले महंगाई आ जाती है। अच्छा, एक चीज़, जबकि महंगाई का ऐसा कोई महंगाई का बहुत जोर नहीं है। एक चीज़ आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय में कोरोना की जहाँ महामारी का दौर चल रहा है, इस समय में चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा फैसला अच्छा फैसला मानते या नहीं? नहीं, चुनाव होना तो ज़रूरी है सर, टाइम पर हो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आगे पीछे करने के बाद में फिर समस्या चुनावों में, और ये कोई चुनावों के मुद्दे के अनुसार तो बीमारी पैदा हुई नहीं है, ये तो शुरू से एक बीमारी चलती आ रही है। ये बीमारी है चुनावों में प्रभावित नहीं करेगी? हाँ, प्रभावित करती है, लेकिन उसको सही तरह से चुनाव डलवाए जाएंगे, आप जो नियम कानून है उसके आधार पर चुनाव होंगे तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी और चुनाव डलने चाहिए। आप बताओ, आप बोलो कुछ इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं आप? ये चुनाव है 2022 का, उस 22 के चुनाव में राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़े हुए हैं, और ऐसे भी चेहरे हैं जो नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, तो आप किन मुद्दों पर उनको
सपोर्ट करना चाहेंगे, वोट करना चाहेंगे? और किस मुद्दों पर सपोर्ट करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल विकास चाहते हैं, बिल्कुल विकास चाहते हैं जी। कुछ राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद भी है, विकास भी है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, काफी कुछ चीजें हैं। आप किस चीज को मानते हैं, किस चीज को? विकास है कम, वो मेन बात तो। उसके बाद मेरे को भी थोड़ी इस बारे में नॉलेज कम है ना, और आप किसी से उनसे बात करो। कितने हो गए, क्या हो गए, 10-12 हो गए? आप बताओ जी, बताएं, बताओ। अब जो मुद्दा है इस समय, ये राजनीतिक लोग खड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए जा रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। 2022 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं, आप किन मुद्दों पर तो किस पार्टी को वोट करना पसंद करेंगे? हम विकास और महंगाई के मुद्दे पर वोट देंगे। तो आप किस पार्टी के तरफ जाएंगे? हम समाजवादी पार्टी को वोट। समाजवादी पार्टी, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी विकास कर पाएगी? जो विकास किए समाजवादी पार्टी ने, वर्तमान सरकार ने जो विकास किया वो विकास नहीं हुआ है? वो विकास हुआ है, लेकिन महंगाई तो चरम सीमा पर है, महंगाई तो बहुत ज्यादा कर दी है इसने। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।